हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग इंटरमीडिएट का जो सिंथेसिस का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसको आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले तीन वीडियो मैंने इस वीक में जो दिए वो मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे को, वो पैसिव वाइज थे, ठीक है। और पैसिव वाइज हाई स्कूल इंटर दोनों के लिए दे रहा था, लेकिन ये सिंथेसिस है स्पेशली फॉर इंटरमीडिएट, विशेषकर इंटरमीडिएट के लिए है। तो 2017 का जो बोर्ड सेट है पैसिव वाइज, सॉरी सिंथेसिस का, उसे हम लोग देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, टैगोर वाज अ ग्रेट पोइट, ही रोट गीतांजलि, फुल स्टॉप, इट इज फेमस बुक, ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर इट। इसको आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है और इस सेंटेंस में आपको यूज करना है नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन। अगर आप रूल पढ़े होंगे तो आपको याद आ गया होगा। तो ये हो जाएगा टैगोर कामा ए फेमस पोइट टैगोर कामा ए फेमस पोइट वाज अवार्डेड नोबल प्राइज फॉर हिज फेमस बुक कामा द गीतांजलि। द गीतांजलि, मैं इसको एक बार पुनः साल्व कराए दे रहा हूँ, आप लोग इसे सुन लीजिएगा। टैगोर, यहाँ से आपको करना होगा टैगोर कामा ए फेमस पोइट। यहाँ पर फेमस शब्द थोड़ा सा अलग है, टैगोर कामा ए ग्रेट पोइट वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज फेमस बुक गीतांजलि। क्लियर। तो टैगोर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज फेमस बुक गीतांजलि। क्लियर। सेकेंड नंबर की बात करें, वाइज मेन लव ट्रूथ फूड सनिट, इसे कंपाउंड बनाना है। बुद्धिमान लोग सच्चाई को पसंद करते हैं, मूर्ख लोग इससे दूर भागते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ बट लगा देना है, बट और कुछ नहीं लगाना, आपको सिर्फ लगाना है बट। वाइज मेन लव ट्रूथ बट फूल्स सनिट, ये हो जाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। बी नंबर की बात करें, ही वॉज टू टायर्ड टू स्टैंड, तो ये हो जाएगा एडवर्ब टू को रिमूव करना, सो दैट में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट स्टैंड। फिर से सुन ले इसको, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट स्टैंड। क्लियर। सेकेंड नंबर देखे बी का, आई हैव नो मनी दैट आई कैन स्पेयर, इसको आपको सिंपल बनाना है और आप सिंपल बनाइए तो यहाँ इन्फिनिटिव का यूज कर दीजिए। किसका यूज कर दीजिए? इन्फिनिटिव का यूज कर दीजिए, सेंटेंस बन जाएगा। तो इन्फिनिटिव का यूज करके बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगा, आई हैव नो मनी टू स्पेयर। क्लियर। ये हो जाएगा आपका बी का सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज इंटेलिजेंट फुल स्टॉप, ही इज हार्ड वर्किंग। इस सेंटेंस को थोड़ा गौर से देखिएगा आप लोग, अगर यही सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस बनाना होता तो फिर दूसरा नियम लगता, सिंपल सेंटेंस बनाना है तो फिर
दूसरा नियम लगेगा, सिंपल सेंटेंस ही बनाना है लेकिन यहाँ पर एंड का प्रयोग करके। ध्यान दीजिएगा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जब दो क्लासेस को एंड से जोड़ा जाता है तब कंपाउंड सेंटेंस बनता है, जब दो क्लासेस को एंड से जोड़ा जाता है तो कंपाउंड सेंटेंस बनता है, अगर दो शब्दों को एंड से जोड़ा जाता है तो सेंटेंस बनता है सिंपल सेंटेंस। तो ये हो जाएगा ही इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वॉज इल ही वेंट टू स्कूल, वो बीमार था वो स्कूल गया। अब ये सेंटेंस अगर देखा जाए तो कंट्रास्ट को बोध का बोध करा रहा है, लेकिन कंट्रास्ट आप जानते हैं एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है और एडवर्ब से ट्यू का प्रयोग करके कंट्रास्ट वाले सेंटेंस को जोड़ा जाता है कंपाउंड में। लेकिन अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाना हो तो आप लोग एक रूल पढ़े होंगे, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, सिंपल सेंटेंस में यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन आर जीरंड, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरंड, नाउन और जीरंड, ये रूल अगर नहीं पढ़े हैं तो अभी पढ़ लीजिए और आपको पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, सिंथेसिस का एक एक रूल और एग्जांपल के साथ दिया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। तो ये सेंटेंस हो जाएगा इसका सिंथेसिस, बिसाइड बीइंग, बिसाइड्स बीइंग इल, बीमार होने के बावजूद कामा ही वेंट टू स्कूल। क्लियर? बिसाइड बीइंग इल ही वेंट टू स्कूल, ये हो जाएगा आपका ये सेंटेंस। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं अगला सेंटेंस, और अगला सेंटेंस है हमारा द बॉय फेल्ड मेनी टाइम्स ही गेव अप हिज स्टडीज, ये सेंटेंस आपको चेंज करना है और ये रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग कर दीजिए, या तो इसको ये आप लोग पढ़े होंगे परिणाम बताने वाले इलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके, याद आया इलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके, तो ये हो जाएगा द बॉय फेल्ड मेनी टाइम, सो लगा दीजिए यहाँ पर, सो ही गेव अप हिज स्टडीज, बस ये सेंटेंस कंपाउंड बन गया। तो द बॉय फेल्ड मेनी टाइम्स सो ही गेव अप हिज स्टडीज, आपका सेंटेंस हो जाएगा द बॉयज फेल्ड मेनी टाइम्स सो ही गेव अप हिज स्टडीज, ये हो जाएगा आपका सेंटेंस। क्लियर? आगे हम देखते हैं ई नंबर, ई नंबर सेंटेंस है द सनसेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई, ये सेंटेंस न जाने कितनी बार आप लोग कर चुके होंगे, सिंपल सेंटेंस बनाना है और आप लोग पढ़े होंगे पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल में यूज ऑफ पार्टिसिपल, और उसमें पढ़े होंगे यूज ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये हो जाएगा द सन हैविंग सेट, द सन हैविंग सेट, हैविंग सेट कामा द स्टार्स केम अप इन द स्काई, इन द स्काई। क्लियर? तो द सन हैविंग सेट, द सन हैविंग सेट कामा द स्टार केम अप इन द स्काई। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई रीच्ड होम द सन हैड सेट बिफोर, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप लोग पढ़े होंगे एडवर्ब ऑफ टाइम, तो यहाँ पर हो जाएगा द सन हैड सेट बिफोर आई रीच्ड होम, परफेक्ट पार्टिसिपल को प्रेजेंट को सॉरी पास्ट परफेक्ट में मिक्स सेंटेंस जो कर रहे थे किए होंगे आप लोग, वही है ये, तो ये हो जाएगा द सन हैविंग सॉरी द सन हैड सेट बिफोर बिफोर आई रीच्ड होम, आई रीच्ड होम। क्लियर? द सन हैड सेट बिफोर आई रीच्ड होम,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डिड नॉट गो टू लखनऊ, माई ब्रदर डिड नॉट गो टू लखनऊ, और ये आपको बनाना है कंपाउंड सेंटेंस। आप लोग पढ़े होंगे, आप विकल्प बताने वाले जो संयोजक होते हैं, नाइदर नार, आइदर आर, आर या नार, क्लियर? तो वहीं पर वही रूल यहाँ लिखाना है, तो ये हो जाएगा आपका नाइदर आई, नाइदर आई नॉर माई ब्रदर, ब्रदर वेंट, सॉरी हाँ ओके वेंट हो जाएगा, डिट है ना, वेंट टू लखनऊ, क्या हो जाएगा भैया, नाइदर आई नार माई ब्रदर वेंट टू लखनऊ। आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी दैट इज़ नोन टू ऑल। इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के रूल आप पढ़े होंगे, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए तीन क्लासेस का प्रयोग होता है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास। यहाँ पर यूज करना है आपको एडवर्ब, सॉरी नाउन क्लास यूज करना है, और ये जहाँ पर दैट लगा हो, इट लगा हो, प्रायः उसी के पहले नाउन क्लास बना करके जोड़ दीजिए, सेंटेंस आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पॉलिसी कामा इज नोन टू ऑल। सेंटेंस फिर से देख लें, दैट द ऑनेस्ट, सॉरी दैट ऑनेस्टी इज द, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पॉलिसी कामा इज नोन टू ऑल, नोन टू ऑल, क्लियर? फिर से सुन ले सेंटेंस, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये दैट इधर लगा दीजिए, दैट ऑनेस्टी इज द, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज नोन टू ऑल। इसी के साथ आपका ये बोर्ड सेट 2017 का जो बोर्ड सेट, जिसमें जितने भी पूरे सेट में जितने सेंथिसिस पूछे गए थे उन्हें हमने सॉल्व किया, हर सेंटेंस से रिलेटेड मैंने उसके रूल की बात की। अगर आप अभी भी सेंटेंस सेंथिसिस में आपको प्रॉब्लम है, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सेंथिसिस का पूरा रूल लिखा हुआ है, उसी को लिख सकते हैं, सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो अगर आप इन वीडियोस का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, सॉल्व करते चलिए और मिलाते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए और प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अभ्यास एक इंसान को परफेक्ट बनाता है, पूर्ण बनाता है। सो कंटिन्यू योर प्रैक्टिस फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इसलिए अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए। अगर आप भविष्य में या अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक हासिल करना चाहते हैं, तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार हैं, उनसे निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। एक बार फिर कहूंगा, अगर कुछ भी लाभ पाना चाहते हैं तो पूरा का पूरा वीडियो देखा करिए, तभी आपको पूरी चीज़ें समझ में आएगी और आप कुछ सीख पाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।